दानिश मोहम्मद और आप देख रहे हैं देहाती लाइफ मोटिवेशन ब्लॉग। तो दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की खबर लेके आया हूँ। क्योंकि ये सऊदी अरब का बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है अभी के टाइम में। सऊदी अरब का किंग सलमान और जवाजात की तरफ से ये खबर आया हुआ कि जो सऊदी अरब के अंदर 3 साल का जो बैंड लगा हुआ था वो बैंड हटा दिया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद कोई भी भाई का मन में बहुत सारा सवाल आता है कि मैं तो उस कंपनी में काम करके आया हूँ या इस कंपनी में काम करके आया हूँ, या कोई भाई छुट्टी में गया हुआ है और कोई कंपनी दूसरा कोई कंपनी का वैकेंसी अच्छा आया हुआ है और बहुत ही अच्छा सैलरी है, तो उसका मन में भी ये सवाल है कि मैं इस कंपनी में जा सकता हूँ कि नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि अभी के रूल के हिसाब से आप जो है ना उस कंपनी को छोड़ के दूसरा कंपनी में आ सकते हो। ये सऊदी गवर्नमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा रूल लेकर आया है। तो आप लोगों को मैं बहुत सारे बात बोलने के लिए ये वीडियो में आया हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं ये तो कहता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसको बहुत ही बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। क्योंकि जितना भी मेरा भाई इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में बैठे हुए या यहाँ से गए हुए छुट्टी में गए हुए फंसे हुए या कोरोना में कोई छुट्टी में गया हुआ वो फंसा हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा। तो वो लोग जो सऊदी अरब में छुट्टी में गया हुआ है और नहीं आया है, उनको 3 साल सऊदी अरब बैंड कर देता था, वो सिस्टम ख़त्म हो गया, वो आ सकता है। अगर कोई दूसरा ये चीज़ उसके दिमाग में आता है कि यार मैं तो सऊदी अरब नहीं जा सकता हूँ, मैं दुबई चला जाऊँगा या ओमान चला जाऊँगा, अगर उसको पसंद है कि नहीं मैं सऊदी जाना चाह रहा था यार क्यों कैसा हो गया, या किसी का टिकट कैंसिल हो गया या किसी का फ्लाइट मिक्स हो गया, तो ये सब मन में जितना भी आप लोगों का सवाल है वो सवाल का जवाब यही है कि आप जो है ना आ सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ और बताने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि बहुत से भाई जब छुट्टी जाते हैं घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो अकामा जो है ना अपना रिन्यूअल नहीं करते, और बगैर रिन्यूअल करे वो घर चला जाता है। कभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, आपका साथ कुछ हादसा हो जाता है या आपका घर में परेशानी या आपको बीमार या कुछ भी, तो वो जैसे वीज़ा लगाने के लिए बढ़ाने के लिए सोचता है तो वो वीज़ा नहीं बढ़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपना अकामा को रिन्यूअल करके आप अगर छुट्टी जाते हो तो अगर आपको एक आध महीने बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, यही अभी गवर्नमेंट का रूल है। और मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर ज़रूर करना। क्योंकि ये वीडियो में लाइक शेयर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी मेरा भाई पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठा हुआ है उनके लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो मेरा इससे पहले जो वीडियो है, मैं इससे पहले भी बताया हूँ कि मेरा जो नेस्मा कंपनी का वंड जाने वाला है, बहुत जल्द जाने वाला है, और जिसने नेस्मा कंपनी में काम करने के लिए आना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि वीडियो मतलब मुझे पता है कि किस टाइप जाएगा कब जाएगा, तो मैं तुरंत ही आप लोगों को वीडियो डाल दूंगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।